ग्वालियर में गैस पाइपलाइन में अचानक गैस रिसने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल इस पर काबू पाने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता मिली। अगर इस पर तत्काल काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल ग्वालियर शहर के सिरोल रोड स्थित अवंतिका गैस कंपनी की लाइन डली हुई है, जहां पाइपलाइन टूट जाने से गैस का रिसाव होने लगा। तभी गैस ने अचानक आग पकड़ ली। आग की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने अवंतिका गैस कंपनी के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और गैस पाइपलाइन ठीक करने के लिए गैस कंपनी के कर्मचारियों को बुलवाया गया। फिलहाल आग बुझने से एक बड़ा हादसा इलाके में होने से बच गया। 2 बजे राहुल सिंह ने सूचना दी थी कि DB City के आगे तेंदुकलमा रोड पर एक गैस लाइन में आग लगी है। तत्काल एक गाड़ी रवाना करी, वहाँ स्टाफ द्वारा बताया गया कि आग ज़्यादा है, एक गाड़ी और भेजो। तत्काल दूसरी गाड़ी लेकर भी मौके पर पहुँचे, वहाँ देखा कि आग लगी हुई थी अभिंतर गैस एजेंसी की CNG गैस में, जिससे 2 गाड़ी पानी फायरिंग करके आग को बुझाया गया। एरिया ओपन स्पेस था, घनी आबादी नहीं थी, इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।